मैं कहता हूँ शिवलिंग के अंदर सुराग होता है तो शिवलिंग अगर नहीं होता तो फुहारा है। नेता चिल्ला रहे थे मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, आप अपनी महंगाई छुपाने मुंह छुपाने कहां जाओगे? मोदी जी गरीब आदमी साथ है और था और रहेगा। मिश्रा जी ने आके बयान दिया, ढोल धमाके दिखाए उस दिन के बाद से, जिस दिन सर्वे की रिपोर्ट कल दाखिल हुई, आज मीडिया क्या हो गया, सर्वे की रिपोर्ट बात ही नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार, आप देख रहे हैं द लोकसभा। अभी खबर आई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। जिस तरह से महंगाई चरम से और पहुंच रही थी और विपक्ष का दबाव था, उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी राहत की बात है। मिडिल क्लास के जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा इस चीज़ से। और ज्ञानवापी का मुद्दा जैसे इस तरह से ठंडाया हुआ था, वापस से सर्वे के लिए वाराणसी कोर्ट को सौंप दिए गए, उस जिसकी वजह से बीजेपी के पास एक और नया मुद्दा कि महंगाई कम कर दी गई है। अब इसका असर जनता पर कितना असर होगा उसके जानने के लिए हम सीवी पे खड़े हैं और लोगों से राय जानेंगे कि आखिर महंगाई घटाने का कितना असर जनता पे पड़ेगी और कितना मिडिल क्लास लोगों के जेब पे असर पड़ेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? पंकज भारद्वाज। सर जिस तरह से महंगाई घटाई गई, पेट्रोल का दाम 9 रुपये घटाया गया और डीजल पे 7 रुपया, क्या असर? देखिए ये तो एक केंद्र सरकार ने एक आम पब्लिक को राहत दी है और इसका एक मैं स्वागत करता हूँ। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो चिंतन थे, वो गहराई से सोच रहे थे कि हमें क्या निर्णय लेना, तो जैसे देश की अर्थव्यवस्था भी खराब ना हो, आने वाले समय में हमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े, उनकी समीक्षा की जा रही थी। और समीक्षा करने के बाद जो आज ऐतिहासिक फैसला है, 8 रुपये शायद पेट्रोल पर, 9 रुपये डीजल पर किया है, और उज्ज्वल में की जो योजना थी उसमें 200 रुपये के कम किए हैं, तो एक सराहनीय कदम है। और अब आपके चलन के माध्यम से मैं उन विपक्ष के नेताओं से पूछ जाता हूँ, सरकारों से पूछ जाता हूँ, आप कितने रुपए कम करेंगे, कब से कम करेंगे, कब करेंगे और कब से करना चाहेंगे, कितने रुपए कम करेंगे? आपके चलन के माध्यम से जो विपक्ष के नेता चिल्ला रहे थे मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, आप अपनी महंगाई छुपाने मुंह छुपाने कहां जाओगे? मोदी जी गरीब आदमी साथ है और था और रहेगा। जिस तरह से केंद्र ने कम किया है उस तरह से क्या राज्य भी अपने हिसाब से पेट्रोल के दाम कम करेंगे और उसका असर राज्यों पे पड़ेगा? देखिए राज्य तो कोई भी कम नहीं कर रहा, आप दिल्ली के लगा लीजिए। दिल्ली ने आज तक केंद्र सरकार ने दो बारी डीजल पेट्रोल के पैसे कम किए हैं, दिल्ली सरकार ने कोई कम नहीं किए। आप इसको राजस्थान को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, किसी सरकार ने काम नहीं किया। विपक्ष का काम है चिल्लाना और माननीय मोदी जी को और देश को एक मुल्क में बैठकर विदेश में बैठकर उसकी आलोचना करना जो हमारे देश हित के लिए नहीं है, हमारे युवा बेरोजगार बच्चों को भड़काना, इस सारे मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ज्ञान उसमें है, उनको युवाओं की सोच है, बेरोजगारी पर भी उनकी सोच है। आने वाले समय में अभी तो छोटा सा एक उन्होंने डिसीजन लिया है, आने वाले उसमें वो कितना राहत देंगे, जनता उनका मान सम्मान आने वाले दिनों में देखेगी। और बेरोजगारी पर भी वो चिंतित है और इसमें भी वो अपना निर्णय लेंगे। विपक्ष का दबाव है कि इस तरह से कि ज्ञानवापी का मुद्दा में कुछ नया नहीं मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम के अलावा एक नया मुद्दा लगा करके बीजेपी सामने आई है कि पेट्रोल का दाम कम कर दिए, लेकिन फिर से महीना दो महीने में फिर से उतना ही हो जाएगा। नहीं, यही बात सुबह आप जो बात कर रहे हैं, मैं देखिए सरकार का दायित्व तो होता है, सरकार का चिंतन होता है, उसने अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, उन्हें अपने स्टेट एक स्टेट नहीं देखना, और जो एक स्टेट का मुखिया है वो क्यों नहीं घटा देता? दिल्ली में कह देते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केंद्र का है, केंद्र ने तो घटा दिया। भाई अब तुम्हारी भी बारी है, तुम भी कितना घटाओगे, कितने पैसे रुपए पैसे कितने घटाओगे? आज तक तुमने कोई पैसा नहीं घटाया, किसी बात की सब्सिडी नहीं है, किस बात की जनता भरी की तो आप बात कर रहे हो? बिजली का बिल है, 5 प्रकार के टैक्स लगते हैं बिजली के, उस पर आप जो उद्योग की बात करते हैं, उद्योग से सामान बनता है, सामान से बाजार में आता है, बाजार से उपभोक्ता में जाता है। अरे उपभोक्ता तो आने का पैसे महंगाई तो तुम खुद बढ़वा रहे हो, बिजली के दाम कम होंगे, उद्योग धंधा सस्ता पड़ेगा, लागत कम होगी तो पैसे अपने आप कम होंगे। ये विपक्ष का खोर वाला नारा है और विपक्ष हमेशा दूसरे मोदी जब से आए मोदी की आलोचना करें, मोदी के साथ जनता है, 130 करोड़ जनता है और जनता को विश्वास है अपने माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास। और जो विश्वास उन्होंने 2 साल कोरोना काल में अपनी अर्थव्यवस्था खराब होने, लोगों की जान बचाने में और सारी मूलभूत सुविधा देने में, हमारा देश इतना शिक्षा में समुदाय संपन्न नहीं था, यूक्रेन जैसे देश को इटली जैसा देश तब आओगे जहाँ पर पूरा विश्व का होता चिकित्सा का भरपूर डॉक्टर है, वहाँ पर इतनी महामारी हुई। हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी कैबिनेट मंत्री ने, मंत्रालय ने सूझबूझ का काम लेकर हमारे लोगों की जान बचाई और महंगाई थोड़ी बढ़ी। 2 साल से कोरोना काल था, हमारे यहाँ पर दबाव था,
महंगाई का जो बढ़ाना भी जरूरी था और राहत देना सरकार का काम है, जो उन्होंने दो बारी दी है और जनता की मांग मानी है, जनता का आक्रोश नहीं है, जनता का कोई उसमें उत्साह नहीं है, सिर्फ विपक्ष अपनी रोटियां सेकने के जो उनके पास मुद्दे नहीं है, कब कह दें ज्ञानवापी। अरे भैया 60 साल से मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने बुद्धिजीवी विपक्ष के आदमी व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ, आप ये मेरे को बता दिए आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आज तक तो हिंदू विपक्ष आरोप लगाती है कि जो सत्ता में पार्टी बैठी है वही हिंदू मुस्लिम करती है, बाकी तो एक तरह से राजनीति अपना सेकने में लगे हैं धर्म के नाम पे, मतलब जाति के नाम पे, लेकिन बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम में बांटना, जैसे ज्ञानवापी हो गया, मथुरा हो गया या कुतुब मीनार हो गया, इस तरह से। देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व में 4 मजहब 36 भारतीय हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया अयोध्या का तो उसमें बराबर का 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी है, मंदिर के बाद मस्जिद को भी जमीन दी है, किस बात का झगड़ा की बात कर रहे हैं आप? आपकी जो विपक्ष का जो बौखलाहट है, एक गुमराह करना, जनता को तथ्य नहीं देना, जनता के सामने को उनके पास सोच ही नहीं है, उन्हें 70 साल तक खाया है, मौज लिया, अब उनको विपक्ष सता रहा है, उनके पास इतनी संख्या नहीं है, उसके पास कोई धन नहीं, कोई सोच नहीं है कि इस देश को आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे इनका डेवलप हो, रोजगार की बात करते हैं। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ, आज तक हिंदू मुस्लिम होता आया है, मैं आज 40 साल का हो गया हूँ, मेरे को जब से सूझबूझ आई है, जब से मैं देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू पंजाबी नहीं होता। पंजाब में हमारे सिख भाई संपन्न है, विदेश में जाके डंका बजा रहे हैं भारत का, देश में रहकर गरीब आदमियों को खाना बना कर खिलाते हैं, गुरुद्वारे में चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं, क्रिश्चियन भाई अपनी सारी है, तो हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू तो कुछ नहीं करते, मुस्लिम का क्या हमारी, मेरी तो समझ से नहीं आया, ये हिंदू मुस्लिम पूरे देश को बांट कर रखा, इस देश का को विकास नहीं होने देना चाहता, देश का विकसित नहीं, आज देश की इतनी हो है जो शक्तिशाली देश था, हमारे देश का नाम लेने से कतराता था, आज वो देश का भारत का नाम लेकर अपने माननीय प्रधानमंत्री से हाथ में मिला गले मिलना चाहता है। अरे हमारे देश का गर्वित होगा, हमारे देश के पास सोच होगी, जब भी तो कम मुद्दे थे, मुद्दे खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, आप धारा 370 ले, मुद्दा था 60 सालों से मुद्दा था, धारा 370 खत्म हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया है, जब मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो विकास की गति बढ़ेगी, विकासशील देश है, विकसित देश बन जब बनेगा, जब हमारे पास मुद्दे नहीं होंगे, भाईचारा खराब करने के लिए विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि देश में बेरोजगारी में भारत नंबर 1 पे है अभी, मतलब बेरोजगारी इससे पहले इतना नहीं बढ़ा था कभी, आखिर ऐसा क्यों? देखिए 97 का डाटा निकाल लीजिए, हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी थे, आज उसके बराबर आप उसकी इकोनॉमी, आज की इकोनॉमी ठीक है, थोड़ी महंगाई बढ़ी, मैं बता ना 2 साल से पूरा विश्व जूझ रहा है, कोरोना काल से जूझ रहा था, इसमें कोरोना काल में फ्री में वैक्सीन देना 130 करोड़ की जनता में, हम बात करते हैं विदेश की, विदेश में हमारे दिल्ली की इतनी जनसंख्या 2 करोड़ है, एक देश बनता वहाँ पर, यहाँ पर एक राज्य है, एक पूरे 130 करोड़ जनता को वैक्सीन देने का फ्री में देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की सरकार ने किया है, और जो बात की है विपक्ष जो बात करता है कहाँ से देगा, उन्होंने करके दिखाया है विपक्ष के, उसमें जो बात कही है, जो बात हुई है उसको विकासशील और विकसित है, और बेरोजगार की बात है आपको मैं चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ, इस पर भी गहन चर्चा है पूरा संगठन। सर एक बात और, मैं बाकी और लोगों से बात करूंगा, जिस तरह सर अभी पेट्रोल का दाम घटाया गया है और डीजल का दाम, विपक्ष का आरोप है कि ये बस ज्ञानवापी के बाद एक नया मुद्दा लाएगा, फिर से 2 महीने में उतना ही पेट्रोल का दाम हो जाएगा जितना अभी है, सर ऐसा सच में होगा? ये कब घटाया गया मुझे नहीं मालूम, अभी 9.5 रुपये पेट्रोल पर घटाया गया है और 7 रुपये डीजल पर। सर किस पैसे में से घटाया गया थोड़ा बताएंगे आप? केंद्र अपने तरफ से वित्त मंत्री का ये बयान है। वित्त मंत्री का बयान है, कितना पैसा कम किया उन्होंने? 9.5 रुपये पेट्रोल पे और 7 रुपये डीजल पे। ठीक है, 9.5 रुपये, एक मिनट, क्लास पे मैं वही कह रहा हूँ ना, 9.5 पेट्रोल कहा आपने और डीजल पे 7 रुपये। 7 रुपये टैक्स कितना है आज की तारीख में? टैक्स तो सर बहुत नहीं, कितना है टैक्स ऐसे तो आईडी नहीं, आईडी बताइए ना आप कितना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बता देता हूँ भैया, 29 रुपये पेट्रोल पे है राज्य और मेरी सुनिए, मैं आप दो, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, 29 रुपये पेट्रोल पे है, 28.70 रुपये डीजल पे है, जो 14 में 9 रुपये पेट्रोल पे था और 3.10 रुपये डीजल में था, यानी कि अब तक कितनी लूट कर रही है सरकार टैक्स को, पैसा बढ़ा के आज भी मौजूदा सरकार 20 रुपये यानी कि 14 के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा टैक्स ले रही है कम करने के बाद में भी। लेकिन हाँ बताइए, परमानेंट रहेगा सर? जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि अभी कुछ हुआ नहीं था, मुद्दा नया नहीं, इसलिए अभी अचानक से कम किया गया, लेकिन फिर से महीने 2 महीने के भीतर ही उतना ही हो जाएगा जिससे इतना डबल बढ़ा हुआ है।
जो पेट्रोल की कंपनियां कह रही हैं आज हम 115 रुपए बैरल खरीद रहे हैं, उनका प्रेशर है, आपने कम कर दिया, बढ़ाइए, वो अपना पेट्रोल कंपनी बढ़ाना शुरू कर देंगी जिस तरीके से रुका हुआ था। या तो सरकार कहते पेट्रोल कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है हुकूमत के हाथ में है, सेंट्रल, हाँ हुकूमत के हाथ में है, और जब बढ़ते हैं तो कंपनियों के हाथ में होता है, घटते तो सरकार के हाथ में, रुकते तो सरकार के हाथ में होता है, बढ़ते तो कंपनी के हाथ में होता है। ये बोलिए खुले तौर पर, छाती टोक के, बढ़े तो हमने बढ़ाया और घटे तो हमने घटाया, घटे तो हमने घटाया, ये तो बड़ी कायरता वाली बात हो गई, ये मजेदार बात थोड़ी नहीं। अगर आप मलाई खा रहे हैं तो छाछ की भी तारीफ आप ही कीजिए ना। सर जिस तरह से बोला गया कि एक इतना कम करने के बाद एक मिडिल क्लास के लोगों पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्या सच में सर इतना असर करेगा? जैसे कि आटा का दाम, तेल, सरसों तेल का दाम, बाकी चीज़ की महंगाई, बस दो चीज़ों से कम कर देने से इतना असर तो नहीं पड़ेगा सर? ऐसा क्या हुआ कि गेहूं के ऊपर, गेहूं की फसल जाते ही 32 रुपये किलो आटा हो गया 21 रुपये से बढ़ के? कौन स्टॉक करके बैठा हुआ था जो रेट बढ़े आटे के ऊपर? हमारे यहाँ गेहूँ की पैदावार कम नहीं हुई है, हम गेहूँ बाहर बेचते हैं तो गेहूँ पे नहीं वो बाद में लगा, रुक जाइए ना, वो बाद में लगी है, ये ऐसी क्या नौबत आ गई आपने एकदम 11 रुपये बढ़ा दिए आटे के ऊपर, और आप कर रहे थे फ्री दे रहे। ये फ्री की वजह ही थी कि जिन लाला बनियों के स्टॉक कर रखे बैठे हुए थे उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए 12 रुपये गेहूँ के ऊपर बढ़ाए गए, क्योंकि 2 साल तक लोग सरकार उन्हें मुफ्त अनाज दे रही थी, एक बड़ी आबादी को, वो लोग खरीद नहीं रहे थे, उनका जो नुकसान हो रहा था जो 2 साल पैसा उन्होंने गेहूँ खरीदने बॉन्ड किया था उनको फ़ायदा पहुँचाने सरकार ने गेहूँ को बढ़वाया, गेहूँ के रेट बढ़वाए, ये असल वजह ये है, ना कि हमारे यहाँ पैदावार की कोई कमी है। सर कहीं ना कहीं वजह तो पैदावार, सरकार फिर निर्यात को रोक क्यों दी? जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि निर्यात काफ़ी हो रहा है, जैसे विपक्ष का भी कहना है या बाकी जनता का भी, लेकिन फिर भी सरकार रोक के रखी क्यों इसको? निर्यात के रोकने के बाद में क्या आटा 22 रुपये आ गया वापस? नहीं हुआ, बता दीजिए ना, तो कारण क्या है सर? मैं बताता रहा हूँ, सरकार की गलत पॉलिसी ये। अभी आपने, सरकार ने कहा 24 तारीख को पाम ऑयल के ऊपर इंडोनेशिया ने पाबंदी लगा दी, आपने 20 दिन बाद खोल दी। क्या तेल के दाम अब बढ़े हैं? तेल के दाम तो सालों से बढ़ रहे हैं, जो सीधा 70 रुपये से 220 रुपये पहुंच गया, ये आज थोड़ा बढ़ गया 10 दिन के 20 दिन के रोक लगाने पे। ये सरकार की नाकामी का नतीजा है जो हम सरसों का तेल भी 70 रुपये के 210 रुपये खरीद रहे हैं। राज्य सरकार कोई भी काम नहीं है, हम तारीफ कर रहे हैं तो सरकार की, हम तो तारीफ कर रहे हैं, पाबंदी लगी 20 दिन का, पाबंदी लगी राज्य सरकारें जिनमें बड़ा तबका आज की तारीख में भाजपा का है, या तो वो, हम तो भाजपा की बात कर, हम तो हुकूमत की बात कर रहे हैं, भाजपा पे बात कर रहे हैं आप, दिल्ली, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं कि भाजपा जो रोक नहीं, नहीं ये भाई के, ये भाई कही है हमें से बात, इस भाई से कोई द्वेष नहीं है, भाजपा के इनकी विचारधारा है, आप भाजपा को बोल लिए, हम अपने तथ्य रख रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जो भाई ने कहा सरकार की, जो बात कर रहे हैं, हम टैक्स की बात की भाई ने, मैं इस भाई की बता दूँ, जो बात करी 28 रुपये सेंटर का है तो भाई 26 रुपये के राज्य सरकार का भी है, और राज्य सरकार ने 2 बारी क्यों राहत देने के लिए काम क्यों नहीं किया? चलो मोदी जी ने तो थोड़ा बहुत गलत किया, 8 रुपये कम कर दिए, 9 रुपये कम कर दिए, वाह वाह लूटने लिए तबके को, आप जो बात करें लाला बनिया को खुश करने के लिए, तो आपके यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बैठा है दिल्ली के अंदर, उसने 1 रुपये भी कम क्यों नहीं किया? आपने जो सब जो आटे की बात कर रहे हैं, उसने उद्योग के लिए 2 साल में उद्योग के लिए जो भी बात कम करने का क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दीजिए सर। मैं तो इतना कहूँगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब से 20 दिन पहले कहा था स्टेटों को पैसे घटाने चाहिए, सबसे पहले शुरुआत आज की देर में 60% सरकार भाजपा के स्टेटों के अंदर, उनको आज ही कर दे रही शुरुआत कि मोदी जी ने घटाई, हमने स्टेट गवर्नमेंट घटा दिए। मोदी जी की इतनी बात तो रख लीजिए, नहीं मोदी जी नहीं रख लेना, सरकार स्टेट गवर्नमेंट रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर सरकार ये कहती है भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट से कि हम मोदी जी की बात मानते हैं, तो उम्मीद करते हैं 24 घंटे में स्टेट गवर्नमेंट का फैसला आएगा भाजपा की सरकारों का कि वो भी 9 रुपये या 5 रुपये 7 रुपये घटा के सरकार के साथ में कदम से कदम मिल के आगे चल रही है, वरना एक ढिटोसलेबाजी है, एक नाटक है, झूठा नाटक। नहीं, जो बात आपने कही आप डाटा के साथ बोल लिए, आप नोट नेट पर निकाल लिए, अब जो मैं गलत बोल रहा था मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, जो आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का और मैं दो सारी बात बता रहा हूँ आपको, आप जो बात करें बीजेपी का और कांग्रेस की जो बात करें मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आप बात करें 4 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट कांग्रेस की, आपके राजस्थान पे भाई सस्ता है, आप दिखा दिल्ली के मुकाबले लगा लीजिए, आप रेट देख लीजिए, आपके पास सारा डाटा लो, बता दीजिए। हम बॉर्डर कूदते हैं, CNG 5 रुपये महंगी ले रहे हैं और मेरठ पहुंचते 9 रुपये महंगी है, इसकी वजह क्या है?
कि एक चश्मे एक तो आईने में अलग दिखाई दे रहा है, एक आईने में खड़े होकर, आईना एक होना चाहिए हिंदुस्तान का, दो आईने नहीं होने चाहिए। सर अंतिम सवाल आप लोग से लेता था, ज्ञानवापी में क्या है, फवारा या सिविलिंग? ये तो भाई सर्वे की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा मेरी सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सर्वे की रिपोर्ट आ गई जो कोर्ट में दाखिल किए, उन्होंने कहा पैस एंड इंच नीचे तार चला गया, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, शायद अगर शिवलिंग में था अगर सुराग होता है तो शिवलिंग है, नहीं होता तो नहीं है। मैं कहता हूँ अगर शिवलिंग के अंदर सुराग होता है तो शिवलिंग है, अगर नहीं होता तो फुहारा है, खुला मेरा हो गया भाई। हाँ क्या है, देखिए जो सर्वे की रिपोर्ट आई है वहाँ शिवलिंग था, और जो शिवलिंग में जो बात होती है शिवलिंग के अंदर शिवलिंग होता है, ऐसे आपने जो बात जो कहा है उसमें जो है फवारा जो 400 साल पुराना इतिहास देख लीजिए, ना बिजली थी ना वो फवारा था, ये तो एक सवाल सर जवाब सवाल है मेरा, वहाँ पे फवारा है शिवलिंग आपके हिसाब से? हमारी तरफ से हम हिंदू हैं, हिंदू की तरफ से जो है वहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग आपके हिसाब से वहाँ क्या है? ऑब्वियसली शिवलिंग है, शिवलिंग है, बिल्कुल शिवलिंग है। आपने वीडियो के माध्यम से आप नहीं वीडियो के माध्यम से बता, मैं इसलिए शिवलिंग कह रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ पे नंदी है, नंदी जी का हमेशा मुंह जो होता है वो शिव जी की ओर ही होता है, और वहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया नंदी जी हमेशा उधर ही देख रहे हैं, और उधर ही शिवलिंग मिला जो जो वजूखाना में, तो मेरे हिसाब से वही आपके हिसाब से शिवलिंग है। क्या है सर ज्ञानवापी में? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 21वीं सदी में हमें हमारे देश का मुद्दा यह है कि वहाँ शिवलिंग है या फव्वारा है, मस्जिद है या अयोध्या में मंदिर है, आज भी हमारा मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं है, और ऐसे मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, बड़ी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चाहे वहाँ जो भी हो वो सच्चाई सामने जरूर आ जाएगी। आपके हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए कि क्या है वो वैज्ञानिक तय करेंगे, वहाँ साक्ष्य जो प्रस्तुत किए जाएंगे वो तय करेंगे, व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ तय करके चल, नहीं मेरे हिसाब से वहाँ साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो जाएंगे ना, कि यदि मैं शिवलिंग कह दूंगा तो वहाँ शिवलिंग के जो वो रहेंगे वे साक्ष्य वो उत्पन्न हो जाएंगे। वायरल हुई सोशल मीडिया पर चीजें चल रही है, मुस्लिम पक्ष का कुछ और कहना है, हिंदू पक्ष का कुछ और कहना है, वैसे ये कहना है कि हम दूसरी मस्जिद, यही ये जो जो सरकार चाह रही है वही हम लोग कर रहे हैं, वो हमें फंसाना चाह रही है इन मुद्दों में, और हम इनमें जाए जा रहे हैं। युवाओं को तो इन मुद्दों से दूर ही रहना चाहिए, मुद्दा बेरोजगारी का करना चाहिए, केंद्र सरकार ने जो 8 सालों में काम नहीं करे उन पर करना चाहिए, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। किसके कारण से जी सरकार में बैठी, किसके कारण बैठी, भले ही हमारे कारण से है, लेकिन वो जो हमारी जनता है जो अशिक्षित जनता है उसको जो टीवी है मीडिया है वो अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, बिकी हुई मीडिया है वो इंसान को अपनी साइड ले लेती है, जब आप ही एक ही प्रचारक का चेहरा बार बार टीवी पे दिखाओगे तो जो बैलेंस वोटर होता है वो कहीं ना कहीं समझता है कि ये ही सही है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, बाद में उसके बाद दोबारा पता चलता है कि जो राष्ट्रहित की गोली दी गई थी तो सिर्फ गोली थी लेकिन काम कुछ नहीं करा, यही 2019 में भी हुआ है। मैं अपनी बात इतनी सी कह के ख़त्म करूँगा, जिस दिन से मिश्रा जी ने आके बयान दिया ढोल धमाके दिखाए उस दिन के बाद से, जिस दिन सर्वे की रिपोर्ट कल दाखिल हुई, आज मीडिया क्या हो गया सर्वे की रिपोर्ट बात ही नहीं कर रही है, ऐसा क्या हो गया मीडिया को कि सर्वे की रिपोर्ट का जिक्र ही नहीं है, भावना से बात करी जा रही है, मीडिया के लिए भावना है सर्वे है, जो सर्वे की बात क्यों नहीं कर रही मीडिया? तो बिल्कुल भाई ने सही कहा, बिकने वाला बिकने की बात करेगा और बिक के ही बात करेगा, अपने ज़मीर को बेच के बात करेगा, अपने तन को बेच के बात करेगा, अपने मन को बेच के बात करेगा, वरना बात करें सर्वे की, सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें पूछ के देखिए क्या है, वो आपको सच सामने आ जाएगा। ज्ञानवापी में क्या है सर, नहीं जानना चाहिए? तो आपने देखा जिस तरह से क्या लोगों राय था, पेट्रोल के दाम घटाए गए, डीजल के दाम घटाए गए, और ज्ञानवापी पे क्या है क्या नहीं है, अपनी अपनी राय सबकी थी आपने देखा, और जिस तरह से राय रखी लोगों ने आपने सब कुछ देखा, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा। तो बिकना है अपना।